हेलो बैन, स्वास्थ्य विभाग फिर से हमारे चैनल टीचिंग के बारे में भेज दिया। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और भाग आपके सामने में लेकर आया हूँ आज, वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को अच्छे समझते हैं, प्रपोजिशन होता क्या है चलिए देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है प्रपोजिशन। ये पर क्या कहता है इसके डेफिनेशन। प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। प्रपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, जो एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से दर्शाए, एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे प्रोनाउन से दर्शाए। तो क्या है, कोई सूचित व्यक्ति हो, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो नाउन हो, उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होते क्या है, इन, ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, बिफोर, बेथ, फ्रॉम, ये सब क्या है, ये सब प्रपोजिशन है। तो हम एग्जांपल देखेंगे प्रपोजिशन को। और प्रपोजिशन होते कितने प्रकार, तीन प्रकार के प्रपोजिशन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेश। सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेश, तीन प्रकार के प्रपोजिशन होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा आई एम विद यू, आई एम विद यू। तो यू हमारा क्या है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, देखने में क्या लग रहा है, ये सब्जेक्ट है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन कह सकते, क्या कह सकते हैं, या किसी का नाम आ जाता तो वहाँ नाउन हो जाता। तो यू है तो क्या है, ये प्रोनाउन है। तो एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे प्रोनाउन को दर्शा रहा है, विथ, कौन दर्शा रहा है, विथ। विथ हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, नंबर एक, नंबर से यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम। तो यहाँ पर यू प्रपोजिशन है और रूम क्या है, नाउन है। किसी प्रोनाउन का संबंध किसी नाउन से कौन दर्शा रहा है, इन। तो तुम है, कहाँ पर है, किसी कमरे में है, तो कमरा हमारा क्या है, नाउन है। तो हम देखेंगे, जैसे द रैबिट फेल इनटू द डीप होल, द रैबिट फेल, एफ ई यहाँ पर है, द रैबिट फेल इनटू द डीप होल। खरगोश था जो कहाँ गिर गया, गहरे गड्ढे में गिर गया। इनटू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई मोशन में हो, कोई गतिमान हो, जो चीज़ पहले से ही विराजमान जहाँ होगी उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ऊपर किया है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा प्रपोजिशन इनका क्या मतलब होता है, इनटू का क्या मतलब होता है। इन कोई चीज़ पहले से विराजमान उस कमरे में, कहीं भी, ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ में अंदर हो पहले से ही, उसको हम इनका प्रयोग करते हैं। जो मोशन हो, गतिमान किसी में घुस रही है, प्रवेश कर रही हो, तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। द रैबिट फेल इनटू द डीप होल, क्या है, खरगोश गहरे गड्ढे में गिर गया है, मैंने देखा उसको गिरते हुए, लेकिन वो अगर पहले से बैठा होता तो क्या करें, खरगोश इज इन द होल, खरगोश बिल में है। ये नहीं कह सकते जब वो गिर रहा है, घुस रहा है, वो कमरे में जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वह कमरे में जा रहा है, ही इज गोइंग इन टू द रूम, तो है कमरे में, और नदी में कूद रहा है, ही जंपिंग इन टू द रिवर। जहाँ भी इस प्रकार के वाक्य आएंगे गतिमान या मोशन में, तो हम इन टू का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे चौथा, जिसे आई एम ऑन द रूफ,
ग्रुप यहाँ पर देखेंगे ये प्रोनाउन है ये नाउन है, इन दोनों का संबंध कौन दर्शा रहा है? ऑन। कौन सा रहा है? ये ऑन। ऑन मतलब पर। पर कौन सा? कभी पर होता है लेकिन हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, पर होने के बाद भी हम ऑन का प्रयोग नहीं करते। इसका उच्चारण तब ऑन प्रयोग करते हैं कोई सतह पर ये इसको ऊपर टच कर रहा हो, क्या कर रहा हो, किसी सतह हो उसके ऊपर कोई टच कर रहा हो, ऊपर उसके आसपास कोई बाउंड्री ना हो तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर है, अगर बाउंड्री है तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे तुरंत। जैसे नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, जैसे जैसे I am दो लगाएंगे, I am in on the chair। इसमें ऐसे कौन सही है? इन भी है ऑन भी है, आई एम इन द चेयर या आई एम ऑन द चेयर, क्योंकि कुर्सी हमेशा इन होती है, वहां पर हम ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, आई एम इन द चेयर, क्या आएगा, आई एम इन द चेयर। बेड आता है, आई एम ऑन द बेड करते हैं, आई एम इन द बेड, क्योंकि बेड के आसपास बाउंड्री होती है, मैंने देखा होगा उसका पर्थ होता है, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग ना करके हम इनका प्रयोग करते हैं। ये इन और ऑन में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं एट का पर, इसका मतलब होता है सिचुएशन को, किसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूँ, मैं दरवाजे पर हूँ, मैं दरवाजे पर हूँ, तो क्या करें, आई एम एट द गेट, आई एम एट द गेट। अब यहाँ पर हूँ, अगर दरवाजा ये है, दरवाजा है, अगर हम यहाँ पर ऑन लगाते हैं तो क्या हम दरवाजे के ऊपर थोड़ा खड़े, यहाँ पर सही बात है, दरवाजे पर खड़ा हूँ, सिचुएशन स्थिति दर्शा रही है कि मैं दरवाजे पर हूँ, ना कि दरवाजे के ऊपर बैठा हूँ, कोई भी बिल्ली चूहा थोड़े ऊपर बैठ जाओ तो ऑन कर दिया उस पर, तो क्या है, यहाँ पर ऑन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एट हम यहाँ खड़े हैं दरवाजे के सामने, ना कि उसके ऊपर, ना कि दरवाजे के हम अंदर खड़े हैं, ये गेट है उसके हम अंदर हैं। अगर अंदर होते तो किसी से बोलते ही नहीं, तो हमें खुले में जाते, घुसे चले जाते। मैं दरवाजे पर बाहर खड़ा हूँ, मैं किसी से बोला हूँ ओपन द डोर, दो दरवाजे खोलो, तो ऐट का प्रयोग हम करते हैं। नया देते सी ऐट का प्रयोग करते हैं हम, जैसे हुआ है स्टेशन पर है, हुआ है स्टेशन पर है, तो क्या करेंगे, He is at the station, क्या करेंगे, at the station, He is at the station, ठीक है, He is at the station। तो यहाँ पर कोई स्टेशन है, कोई जगह है, ठीक है, कोई जगह है, स्टेशन में कोई टेबल नहीं है, न कोई छत है कि उसके ऊपर हम ऊपर बैठ के जाके वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ये भी एक सिचुएशन है, एक स्थिति है, उस जगह का नाम है स्टेशन, जिस दरवाजे के यहाँ पर है जगह है, उसका जगह का नाम है, उस जगह की सिचुएशन को, स्थिति को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम, मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम इन द स्टेशन या आई एम ऑन द स्टेशन वी कांट यूज, ओके, वी कांट यूज इन एंड ऑन, we have to use only at because there is situation, understand, यहाँ पर situation दर्शाया जा रहा है, तो वहाँ situation जहाँ दर्शाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, at का प्रयोग करते हैं। ऐसी प्रकार से जितने भी preposition हैं जो हमारा noun pronoun का संबंध किसी अन्य noun pronoun से दर्शाता है, उसको हम preposition कैसे, जैसे मैंने किया, I am
गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर इसका संबंध प्रपोज, ये प्रोनाउन है, ये नाउन क्या है, ये नाउन है, तो ये टू है, टू हमारा संबंध दर्शा रहा है मैं का मार्केट से, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो क्या है टू का मतलब होता है कहीं तक जाने के लिए, हम टू का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसके प्रयोग करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं। एक जगह से यहाँ से हम जैसे दिल्ली गए, मुंबई गए, कहीं भी गए, तो हम आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू कानपुर, इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम टू का प्रयोग प्रपोजिशन में करते हैं। एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन से दर्शा रहा है। क्या है आप जैसे वह है बस से गया, वह है बस से गया, तो यहाँ पर क्या है बस से गया, कोई साधन है, ठीक, कोई साधन है, साधन के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं, किस करते हैं, कोई साधन होता है वहां पर हम वाई का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वेंट बाई बस, ही वेंट बाई बस, वह बस से गया या बस के द्वारा गया। यहाँ पर ये भी प्रपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, इसका संबंध इस दर्शा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे अब नाउन नाउन देख लेते हैं, नाउन नाउन सीता इज कमिंग, सीता इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, सीता इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, सीता दिल्ली से आ रही है, तो दिल्ली भी हमारा नाउन है, क्या है, दिल्ली भी हमारा नाउन है और सीता भी हमारा नाउन, तो एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से कौन दर्शा रहा है, फ्रॉम, कहाँ से आ रही है, दिल्ली से आ रही है। इस प्रकार से देखते सीता इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। हम देखते हैं किसी का किसी से कोई संबंध होता है, किसी से किसी का संबंध होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वी आर द सन ऑफ गॉड, वी आर द सन ऑफ गॉड, हम भगवान के पुत्र हैं, वी आर ऑल द सन ऑफ गॉड, हम सारे सारे के हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो ऑफ है हमारा क्या दर्शा रहा है, हमारा संबंध भगवान से दर्शा रहा है, प्रपोजिशन हमारा संबंध दर्शा रहा है भगवान से। जहाँ पर कोई संबंध दर्शाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, या नाउन का प्रोनाउन प्रोनाउन का, तो वहाँ पर प्रपोजिशन हमें अवश्य मिलेगी। अब जैसे किसी का संबंध किसी से हम काटते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो, तो लाइट का कनेक्शन क्या बल्ब से कट जाएगा, तो बल्ब में रोशनी नहीं आएगी। जहाँ पर कोई कनेक्शन खत्म हो जाता है वहाँ पर हम डबल प्रयोग करते हैं। ये तमाम सारे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज। सिंपल में वो आते हैं जैसे इन है, ऑन है, अपॉन है, वाई है, विद है, ये सिंपल में आएंगे। और कंपाउंड में ऐसे आते हैं जैसे अक्रॉस है, बिटवीन है, ये इस प्रकार बिफोर है, और फ्रेज में इस प्रकार आते हैं अकॉर्डिंग टू, एन अकाउंट ऑफ, फॉर सेक ऑफ, ठीक है, ड्यू टू, ये सारे सारे हमारे कम फ्रेश में आते हैं। मैं तुम्हारे कारण बाजार नहीं गया, आई डू नॉट गो टू मार्केट ड्यू टू यू, कह सकते हैं मैंने तुम्हारे अनुसार काम किया, मैंने तुम्हारे अनुसार के लिए अकॉर्डिंग
टू का प्रयोग करती हैं। तो प्रपोजिशन इतने सारे हैं, हमें इतना पता होना चाहिए प्रपोजिशन की परिभाषा क्या होती है। तो इस अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, प्रपोजिशन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, थैंक यू।